अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ खालिद भट्ट और आप देख रहे हैं फोर एक्सक्लूसिव का लाइव शो। नाज़रीन, आज के हमारे शो का फॉर्मेट कुछ चेंज है। हाल ही में फोर न्यूज़ ने एक फिल्म प्रेजेंट की जिसका नाम था हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स। ये फर्स्ट पॉलिटिकल फिल्म थी पाकिस्तान की जिसने रिकॉर्ड ब्रेकिंग बिजनेस किया। इतना बिजनेस किया कि जिस चैनल पे वो फिल्म चल रही थी उस पे सिर्फ एड्स आ रहे थे, फिल्म दिखाई नहीं जा सकी क्योंकि इतना ज़्यादा बिजनेस किया इस फिल्म ने। नाज़रीन, एक और बात बताया चलूँ कि इस फिल्म को करने के बाद हमारे सारे पॉलिटिशियंस बहुत बिजी हो गए हैं और आज हमने काफ़ी लोगों को अपने शो में बुलाया था जैसा कि हमारा फॉर्मेट है, लेकिन इतने बिजी हैं सारे कि कोई आ ही नहीं सका। कोई हॉलीवुड में, कोई बॉलीवुड में, डिफरेंट लोगों के साथ फिल्म्स कर रहे हैं। इस फिल्म के बारे में बताया चलूँ, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव फर्स्ट पॉलिटिकल हॉरर एक्शन पैक्ड फिल्म थी पाकिस्तान की। मर गई मैं, मिट गई मैं, हो जी हाँ जी, तू शाहीन है जी, परवाज है काम तेरा, तेरे आगे अभी टांगे और भी खड़े हैं, देख तो सही जरा मेरी जान। वेलकम टू माय बादल, ब्रूसली स्टाइल। शेख रशीद तो है नहीं, फिर ये झगड़े कौन कराता होगा जी? नहीं, ये दूसरा शेख रशीद तो नहीं पैदा हो गया? क्या मतलब है तुम्हारा? जनरल साहब, आप और यहाँ, व्हाट एन एंट्री, आप यहाँ भी आ गए। फंस के बीबी, जनरल साहब यहाँ भी आ गए। अरे वाह 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 वाह, जनरल साहब क्या एंट्री मारी, अल्लाह ताला आपको नजरे बद से बचाए। एक एंट्री आपने ये मारी और एक एंट्री आपने वो भी मारी थी जब आपने मेरे कुबट्टे कवर कर ली थी। जनरल साहब, दोस्तों ना तो कोई मंजिल है और ना ही कोई ठिकाना है, फिर भी निकल पड़ा हूँ उस राह पे, शायद कि कोई मिल जाए वो जिसका इंतजार है। आई लव यू। भागते कहाँ हो, रुको तो सही, भाग गए मैदान छोड़ के। हेलो, ओ खालिद भट्ट, खालिद भट्ट, खालिद भट्ट यार, होश में आओ यार, शेख साहब के पैसे दिए बगैर ही मार रहे हो, नॉट फेयर यार, प्लीज होश में आओ, बी ब्रेव, होश में आओ। सर, अब आए, हम लोग तो मर रहे हैं सर। बाबा मेरी भी मजबूरी समझने की कोशिश करो, मैं भी इसी पाकिस्तान में रहता हूँ। ओ बाबा, रात को लोड शेडिंग हो गई थी, मेरी शेरवानी इस्त्री नहीं हुई भी थी, एक मसला ये था, ऊपर से केबल नहीं आ रही थी, ये भी नहीं पता लगा है कि सास भी कभी बहू में क्या हुआ है। अंडो वाला तो मेरा इससे मजाक नहीं, आप खुद ही इससे पूछ ले, शायद आपको जवाब दे दे। हमारा मतलब है ये मुर्गी सोने का अंडा तो नहीं देती? सोने का तो पता नहीं, जागने का अंडा जरूर देती होगी। एक मिनट ठहर जाओ। हमारा मतलब था कि आपने कभी चेक नहीं किया कि मुर्गी अंडा देती भी है कि नहीं? चेक तो नहीं किया, अभी कर लेता हूँ, आ जाओ। यस बीबी, जमा पख्तून दे, डू यू हैव नस्वार, जस्ट गिव इट टू मी। हे यू, Just keep your mouth shut. I'm not talking to you. अब तुम्हें सारी इलाकाई ज़बानें बोलनी पड़ेंगी बच्चू। ओ बस, तू ना पीछे रहना। बीबी नहीं, जरदारी हूँ मैं, है प्यार की मुझे क्या खबर, बस यार 10% के लायक हूँ मैं। टिक 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 टिक, जरदारी गाजीमैन। हाँ, टिक 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 टिक। थैंक्स गाजीमैन। ओ, तो मेरे बिल्ले और मुझे ही मियाओ, वाह। एक्सक्यूज मी, ये बिल्ले मेरे हैं। ओके, तो अब मजा आएगा खेल का, खून का खेल, सो लेट्स प्ले बिल्ला बिल्ला। ओके, लेट्स प्ले बिल्ला बिल्ला, द वन बिल्ला इज फ्रॉम माय साइड एंड द अदर बिल्ला इज फ्रॉम योर साइड। ओके, हमारे ब्लू कॉर्नर पे हैं, तहरीक इंसाफ के बिल्ले और हमारे रेड कॉर्नर पे हैं, फोर न्यूज़ के चीज़ बिल्ले और एक बिल्ला सीरीज़ और शुरू करते हैं। एक बिल्ला और सीरीज़ शुरू। यू बी आ नो 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 नो, डब्ल्यू डब्ल्यू
इंटरेस्टिंग बात बताऊं, आप तो जाने हैं कि आसिफ के अंदर बहुत ही ज्यादा एक नमाजी प्रेजी किस्म का इंसान है। अब हुआ यूं, वो मुर्गी जिसके चक्कर में आप यहाँ पे आए हैं वो ऊपर थी और आसिफ नीचे से जा रहे थे। अब हुआ यूं कि आसिफ ने उस मुर्गी को कहा, ओ मुर्गी, अब लुक नाउ माय मौलवी स्टाइल, ओ मुर्गी जाओ और जाकर नमाज पढ़ो, नमाज का वक्त हो गया है। तो उस मुर्गी ने आगे से जवाब दिया और कहा, नमाज कोई आपकी है, मुर्गी को अजाब, आसिफ को सवाब। और इससे इतना बिजनेस किया कि टाइटैनिक को भी पीछे छोड़ दिया इवन, और जुरासिक पार्क और किंग कॉन्ग जैसी फिल्में भी इसके काफ़ी पीछे रह गई। इस फिल्म में इतना बिजनेस किया कि कोई चैनल इसको दिखा नहीं रहा, क्योंकि जब ये फिल्म चलती है तो ज़्यादा कमर्शियल चल जाते हैं, क्योंकि बिजनेस ऑफ कोर्स इतना किया है इस फिल्म ने। और मैं कहूँगा कि हमारे पॉलिटिशियंस जो हैं दे आर वेरी गुड एक्टर्स, और उनको एक्टिंग करनी चाहिए इस फिल्म से पता चला है हमें, और वो थोड़ा गलत जगह पर हैं, उनको वहाँ होना चाहिए था जहाँ इस फिल्म में उनको दिखाया गया है। खैर, बड़ी अच्छी फिल्म थी और दोबारा इसका प्रीमियर होगा, आप लोग ज़रूर देखिएगा। दैट्स ऑल फॉर टुडे।